इसराइल ने अपने दुश्मन और याया सिनवार का खात्मा कर दिया है। याया सिनवार भले ही मर गया है, मगर उसने मरते मरते बेंजामिन नेतन्याहू को अपने तेवर दिखा दिए हैं। इसका सबूत इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है। याया सिनवार की मौत कैसे हुई, अब इसका खुलासा भी हो चुका है। दरअसल हमास चीफ याया सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो हमास समर्थकों का खून खौलाने वाली है। सिनवार की मौत उसकी आखिरी गलती साबित हुई। इजरायली सैनिकों ने उसे दक्षिण गाजा में मार डाला। याया सिनवार की मौत कंफर्म हो चुकी है, मगर उसकी मौत कैसे हुई इसे लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो याया सिनवार की मौत को कंफर्म करने के लिए इजरायली सैनिकों ने उसकी उंगली काट दी थी। इतना ही नहीं, उसके सिर पर भी गोली मार दी गई थी। उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। CNN ने इजरायल नेशनल सेंटर ऑफ फॉरेंसिक मेडिकल के चीफ चैन कुंगेल के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पहले याया सिनवार इजरायली जेल में रह चुका था, तब इजरायली लेबोरेटरी ने उसकी प्रोफाइल बनाई गई थी। तो हमने इसकी तुलना उस प्रोफाइल से की जो याया सिनवार के कैदी के रूप में यहां रहने के दौरान की गई थी, जिसके बाद हम DNA से उसकी पहचान कर पाए। साउथ गाजा में इजरायली सैनिकों ने पहले उसकी पहचान उसके दांतों से करने की कोशिश की, मगर वह सबूत के लिए काफी नहीं था। इसीलिए उसके DNA से मैच करवाने के लिए सैनिकों ने उसकी उंगली काट दी। याया सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चीफ पैथोलॉजिस्ट की माने तो हमास चीफ सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई। उन्होंने बताया कि हमास नेता को टैंक के गोले से भी चोटें आई थी, मगर उन्होंने यकीन से कहा कि याया सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। सोशल मीडिया पर याया सिनवार का वीडियो वायरल है, उसमें वह मौत से कुछ देर पहले सोफे पर बैठा हुआ नजर आता है। इजरायली सैनिक ड्रोन से इसकी पुष्टि कर रही थी। याया सिनवार के बाएं हाथ की तर्जन उंगली काटी हुई थी। वीडियो में बाएं हाथ की सभी उंगलियां पहले थी, मगर बाद में एक उंगली गायब दिखी। बता दें कि वह उंगली DNA मैच के लिए थी। दरअसल 16 अक्टूबर को हर दिन की तरह ही दक्षिण गाजा के राफा शहर राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में इजरायली सेना गश्त कर रही थी। इस दौरान इजरायली सेना ने एक इमारत में नकाबपोश व्यक्ति को जाते देखा, जिसके बाद सैनिकों ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद उस इमारत को घेर लिया गया और गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया गया। कुछ देर बाद उन्होंने ड्रोन के जरिए देखा कि तीन लोग उस इमारत से दूसरी इमारत में जाने की कोशिश कर रहे थे। दो व्यक्ति खुद को चादर से ढके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। इजरायली सेना ने फिर से उन तीनों पर गोलियां चलाई, जिससे वे अलग हो गए। दो लोग एक इमारत में चले गए, वहीं तीसरा एक दूसरी इमारत में घुस गया। इजरायली सेना ने उस तीसरे व्यक्ति को घेर लिया। जैसे ही सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिक पीछे हट गए। उन्होंने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा। ड्रोन को इमारत के अंदर सोफे पर बैठा एक घायल व्यक्ति दिखा। स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंक कर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और वह लौट आए। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वह हमास चीफ याया सिनवार था। अगले दिन जब मलबे में लाशें देखी गई तो उसकी शक्ल सिनवार से मिलती जुलती पाई गई। इजरायली सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि जो सिनवार को वो मारने के लिए ढूंढ रहे हैं वो उन्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले जब भी सिनवार को देखा गया था, वह अपने साथ बंधकों को ढाल बनाकर चलता हुआ दिखा था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई बंधक नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि वह चुपचाप किसी की नजर आए बिना राफा से उत्तरी इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस तरह से सिनवार मारा गया, उसे चांस एनकाउंटर कहा जाता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।